पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और जम्मू प्रांत के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हरजोत सिंह का आज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचने पर आम आदमी पार्टी की कठुआ इकाई ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला इकाई के तमाम नेता मौजूद रहे। देश इस साल आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मना रहा, पर इन 75 वर्षों के भी जो साड़ी बुनियादी सहूलत सगिया, चाहे आप सेहत की गल कर लिए, चाहे शिक्षा की गल कर लिए, उदे विच देश अपनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकिया। तो उस राजनीति दे विच एक सूरज दे वांगू, एक नवे सूरज दे वांगू हो गए आम आदमी पार्टी अते अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें दिल्ली दे विच 2013 तो जिदां दी सरकार चला के दिखाई है, जो सरकार वाकई ही आम लोगों की सरकार है। किवें अज दिल्ली दे विच हर बच्चा सरकारी स्कूलों च पढ़ रहा, फ्री सिक्ख्या उन्हें मिलती है। दिल्ली दे विच महला क्लीनिक्स की चर्चा अमेरिका वर्गे मुल्कां च हुंदी है। दिल्ली दे सरकारी हॉस्पिटल्स सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त है। उसी राजनीति की शुरुआत, उसी राजनीति की अगली पौड़ी पंजाब च आई है। तो मैं दसदे हुए बड़ी खुशी हो रही है, पंजाब ने इतिहास सिरजिया, तो पंजाबियों ने जो फैसला लिया, अज पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीने तो उत्ते दा समा हो गया, तो पंजाब दे विच एक ईमानदार सरकार का असर जगह जगह दिस रहा। पंजाब च भ्रिष्टाचार खत्म हो चुके हैं, पंजाब दे विच बेरोज़गारों नूं पहली बारी होया कि एक महीने दे विच कैबिनेट ने 26,000 नौकरियां कढ दित्तियां जी। पंजाब दियां दे नाल कीता होया केजरीवाल जी दी जो पहली गरंटी थी वो मुफ्त बिजली की, वो पूरी कर दित्ती है। तो कल ही साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त नूं 75 महला क्लीनिक वो पंजाब नूं दित्ते जाणगे। तां हर फ्रंट उत्ते काम हो रहा, तो यही जिहड़ी जिन्हों कह सकते हैं ये बदलाव की जिहड़ी लहर है, ये हिमाचल चल रही है, गुजरात में चल रही है, तो उही लहर जम्मू कश्मीर दे विच चल रही है। रोज़ाना जम्मू कश्मीर तो बहुत सारे साडे निवासी वो दिल्ली जाते हैं, केजरीवाल साहब नूं मिलते हैं, वक् वक् लीडर नूं मिलते हैं, तो दसते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत ही बेसब्री नाल इंतजार कर रहा अरविंद केजरीवाल जी का। उन्हां दी राजनीति दी जिहड़ा स्टाइल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वासियां नूं भी चंगी सेहत चाहीदी है, चंगी सिक्ख्या चाहीदी है, तो भ्रिष्टाचार मुक्त राज चाहीदा। तो सानू साडी पूरी टीम नूं पार्टी ने जिम्मेदारी दित्ती है, इलैक्शन इंचार्ज लगा के भेजिया, तो साडा पूर्ण विश्वास होगा सी कि कित्थे इदां दी टीम खड़ी करांगे जम्मू कश्मीर दे अपने लीडर्स दी, अपने वॉलंटियर्स दी, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, तो पंजाब के अंदर जो है काफ़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका गोरख धंधा जो है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं, आपकी हेल्थ सेक्टर में कितना सुधार जो है आप लाएंगे आने वाले दिनों में? मैं आपको बताऊं जी, सिर्फ हेल्थ सेक्टर क्यों, गोरख धंधा तो हर सेक्टर में चल रहा है जी, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे हेल्थ का हो। जैसे मेरे पास माइनिंग विभाग है, माइनिंग का था, हर जगह गोरख धंधा है, तो उनकी सफाई का अभियान चल रहा है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे, जैसे कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया 75 मोहल्ला क्लिनिक्स की ये शुरुआत है, 400 अर्बन सेंटर्स बनेंगे, हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, ये सब उसी की तरफ शुरुआत है। जब लोगों को सरकारी इलाज मुफ्त मिलेगा तो वो प्राइवेट की तरफ क्यों जाएंगे? आज मजबूरी ये है कि सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी डिस्पेंसरियों में ना डॉक्टर है, ना दवाइयाँ हैं, ना नर्स है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो गोरख धंधा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। माइनिंग की बात की है, माइनिंग जो है इस वक्त काफ़ी बड़ा, आपने तो, आपकी सरकार कह रही है कि माइनिंग जो है वो बैन कर दी गई है, 6 बजे सुबह से लेके शाम, दोपहर के शाम के 6 बजे तक जो है वो भी मटीरियल उठाया जा सकता है, पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे धड़ल्ले से माइनिंग जो है वो आपको, मैं आपको बता दूं जी, बिल्कुल गलत आपकी जानकारी है। मैं बतौर माइनिंग मिनिस्टर आपको कह रहा हूँ कि मैं गारंटी ले सकता हूँ पंजाब में 95% इलीगल माइनिंग बंद होगी। मैं आपको आंकड़े दे दूंगा सोमवार को, इस साल जो हमारे पिछले 20 दिन के आंकड़े हैं अगर वो आप पिछले साल से मिला लें तो 2.5 गुना ज़्यादा माइनिंग हुई है, लीगल माइनिंग पिछले 20 दिनों में। उस दौरान सिर्फ 6 लाख
और इस 20 दिनों में 12 लाख मैट्रिक टन। इसका मतलब क्या है कि लीगल माइनिंग, क्योंकि देखिए आपको अगर प्रदेश की तरक्की करनी है, आपको आपको रेता चाहिए, आपको बजरी चाहिए, वो सब लीगल, पहले ये सब गोरखधंधा इलीगल होता था, अब वो लीगल आ गया। लीगल होने से क्या होता है, एक एक ट्रक का डाटा हमारे पास आता है और जितना लीगल माल बढ़ेगा उतना प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा। क्रशर यूनियन के नाम पर सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्या देखते हैं इसको, कैसे हल करेंगे? करेंगे जी, बिल्कुल हल करेंगे। पंजाब के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा, आतंकवाद आपने देखा पंजाब में, पंजाब में हाल ही के घड़ों में बहुत ऐसे घटनाएं हुई हैं, तो ये देश की और हमारे देश के लिए भी एक अहम मुद्दा। आप देखिए हमारे कल माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो दो दिन दिल्ली दौरे पर थे, वो केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिले और उन्होंने 10 पैरामिलिट्री कंपनीज मांगी। तो हम पंजाब के लिए भी बहुत संवेदनशील है, हमारे बारे में पंजाब में भी ये बोला जाता था, तो पंजाब में भी हम संवेदनशील है, पंजाब में भी काम कर दिखाएंगे। वैसे ही बहुत धन्यवाद। क्रशर यूनियन के नाम पे प्लीज एक सवाल, क्रशर यूनियन के नाम पे माइनिंग माफिया जो है गुंडा पर्ची काट रहा है। मैं आपको बात बता दूं जी, ठीक है जी, मैंने बतौर कह दिया या हरजोत पैंस रहेगा या फिर ये माइनिंग माफिया रहेगा, सब उड़ा देंगे एकदम, एक लीगल काम। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.